बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हो दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 7:30 बजे आए थे चारा लेने के लिए। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और हवा भी नहीं चल रही है। चारा तो कट चुका है, अभी लड़का लेके गया चला जो हमारे साथ होता काटने वाला, तो मैं पैदल जा रहा हूँ। तो अभी बस पहुँचते हैं घर में। पानी मैंने रास्ते में पिया, वो साथ एक घर है उनमें से लिया मैंने पानी, क्यों बस हो रही थी पानी की प्यास बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, क्यों पसीना बहुत ज़्यादा आया और पानी काफ़ी ही निकला है, इस वजह से प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो अभी बस चलते हैं घर में। ये रास्ते में आम है, एक टाना नीचे गिरा हुआ, देखें माशाल्लाह कितना फल लगा हुआ। ऐसे ये देखें बूंद लड़े हैं, एक इधर लड़ा है, एक ये उंगली पर लड़ा है, एक तीन चार जगह पे लड़ा है हाथ में मेरे। ये भी सोच शुरू हो रही है, ये तकरीबन ये देखें ये उंगली पे भी है लगी हुई है। यहाँ से हमला हुआ मुझे याद नहीं था, मैं निधर आके हाथ मारा तो मेरे मुकम्मल काफ़ी बैठ चुके थे, ये देखें हाथ पे। जो लड़े हैं वो मर चुके हैं, ये दो तीन पड़े हैं यही। अभी मैं इनका हल करने लगा हूँ, इनको ख़त्म करना है। आए थे ऐसे अगली तरह कर लो बस। अभी नहा के फ्रेश हुआ हूँ, लेकिन दर्द अभी भी है हाथ में, सोज काफ़ी देखें सोज नज़र आ रही है आप दोस्तों को, काफ़ी ज़्यादा सोज हो रही है। यूँ दो तीन इकट्ठे एक जगह पे लड़े हैं ये, तो बाजू पे भी सोज है। तो बस अभी क्यों मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, सिर्फ दूध पिया था सुबह का टाइम, तो अभी मेरे लिए खाना तैयार हो हुआ है तो वो खाएंगे। अभी फर्श का मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ ये वो थोड़ा सा आखिर पर रहता है, वो होने वाला है। इसके बाद ये छत है, इसको खेड़ेंगे और दोबारा इसको बनाना है छत को। इस बाथरूम में इसकी छत बनाना है हमने दोबारा। जानो खाना ठंडा हो जाएगा, अच्छा यार और कोई नहीं। ये अब ऊपर का काम शुरू हो रहा है, ये छतें लीक करती थी नीचे से, इसलिए इसको दोबारा बना रहे हैं। नीचे वाला तो मुकम्मल हो गया, फर्श जो रहता था वो मुकम्मल हो चुका है, बस ये ही है एक। फिर उसके बाद इधर आना है, ये गली है हमारी, इसकी छताई होगी, ऊपर से मुकम्मल छत डालनी है। असर का टाइम हो रहा है, तो परसों हमने एक ज़मीन को पानी लगाया था, तो उधर आज बिजाई करनी है, चारा बीजना है हमने। तो अब्बा जी तो चले गए हैं, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, क्यों काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं आज, क्यों हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, ये सोज काफ़ी बढ़ चुकी है और दर्द भी बढ़ता जा रहा है, बाजू भी सूजी हुई है, क्यों तकरीबन तीन चार जो हैं उन्होंने हमला किया है, तो काफ़ी दर्द भी हो रहा है और सोच भी काफ़ी। जैसे जैसे ये टाइम गुज़रता जा रहा है वैसे वैसे ही सोच भी बढ़ती जा रही है, ये कल तक और ज़्यादा होगी, अभी तो फ़िलहाल ये इतनी सी सोच है। तो अभी जाके देखते हैं क्या बनता है, मैं तो बस वैसे ही चक्कर लगाने के लिए जा रहा हूँ। और दोस्त को भी मैंने कॉल की थी कि चलो साथ कुछ गपशप होती रहती उसके साथ, लगता है आज वीडियो भी मुश्किल ही अपलोड होगी, अगर कोशिश करूँगा उधर बैठ के कुछ एडिटिंग वगैरह उसकी कर दूँ, अगर तो हो गई तो फिर तो अपलोड कर दूँगा, वरना फिर देखेंगे कब तक अपलोड होगी।
वो अभी अपना चारा लेने के लिए जाने लगे थे, दोस्त जिनको मैंने कॉल की थी, तो वो चारा लेके आएंगे फिर मेरे पास आएंगे इधर। तो हम काफ़ी टाइम इधर बैठेंगे, टाइम पास करेंगे इधर। तो क्यों सुबह से कैसे निकला तो गया नहीं है, बस गर्मी ही थे, इसकी टेंशन ज़्यादा थी, अफसोसगी भी ज़्यादा थी, कैसे बैठे बैठाए काफ़ी नुकसान करवा लिया अपना। बस वैसे ही मैं वो कूलर पड़ा था फालतू, मुझे मैंने कल बताया घर वालों के इसके अंदर के खक्कर लगी हुई है उसकी बूंदों की, तो लेकिन आज मैं खुद भूल गया हूँ। मैंने वैसे ही जाके वो जो निचला कूलर का निचला हिस्सा था मैंने वहाँ हाथ मारा उसको चेक करने के लिए कि कहीं जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। तो वह जैसे हाथ मारा है उसके ऊपर, तो वो खक्कर के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा जो बूंद वगैरह थे वो मेरे हाथ पे और बाजू पे बैठ गए। तो मुझे नहीं याद था कि मैं इधर खक्कर भूल गया था बिल्कुल ही, क्योंकि कल मैंने ही बताया था घर वालों को, तो खुद ही भूल गया हूँ। बस जो किस्मत में था वो होना था, बाकी अब जो हुआ है उसको बर्दाश्त भी करना है। थोड़ा जहा पर भी लाया उरे ना लेके अपर लेके जाना पल्ली साइड ध्यान दे होंगे तो टायर फिर तू एंड आई जाना एदा नहीं देना ना तू अपना परला हिसाब ही रख। जंतर का बीज लैन गया हमारे भाई आ गए हैं, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। मुझे इन्होंने 10 मिनट का कहा था, तो कितने टाइम लगा के आए? आधा घंटा लगा होगा यार। आधा घंटे के बाद आए हैं। तो इधर ट्रैक्टर तो आया नहीं है, कह रहा है ट्रैक्टर आ जल्दी आ जा पीछे बैठना कहता है, कितने वीडियो बनानी है बैठ के। ट्रैक्टर वाकई नहीं आया अभी तक, जब आएगा तो अभी इंतजार कर रहे हैं। वो आ रहा है उधर देखो, वो आ रहा है वही है ना, आ गया। तो अभी मैं लेकर आया हूँ साथ, मैं उसके कह गया था 10 मिनट हो गया आए हुए। तो अभी आए हूँ 10 मिनट, कितने 2 मिनट नहीं हुए मामा। इतना ही इन्होंने पाने है ना रूटर, इतों पाना इन्होंने। तो अभी मैं फारिक बैठा था, क्या हुआ हैंड पे, हैंड पे दिखाना क्या। मैंने इनको बताया सर मेरे, तो क्या कहने लगा था मैं बात भूल गया। नहीं, मैं कुछ बात करने लगा था, बात ही भूल गया। खेला ना ना भाई अपना वो कबाजी खेला नहीं बनाई दिया वो ट्रैक्टर, हाँ पीछे ब्लेड भी है थे। तो इसने इतना टाइम लगाया, इतनी देर में मैंने एडिटिंग कर ली है, जो कल की वीडियो थी हमारी उसकी एडिटिंग हो चुकी है अल्लाह ताला के फजल करम से, आज की वीडियो भी हमारी अपलोड होगी। तो बस बैठे बैठे लगा रहा हूँ ऐसा ऐसा करता रहा हूँ, तो देखते हैं। अभी वो ट्रैक्टर आया हमारा, कहीं ये ट्रैक्टर है ये आगे से लेके जाएगा, उधर से रूटर डलवा के लेके, वो जो हवेली है उसमें से ये रूटर डाल के लेके आएगा। हाय लग रहे आए ट्रैक्टर देखना, नहीं मैं ट्रैक्टर तो नहीं बहना, मैं नहीं चलाया है, ये तो अपना देगा अल्लाह, वो तो सीख लेंगे। बस हमारा काम मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ वापसी है घर की। चला यार बाइक तो चलाए तू। मैं नहीं चलानी, तेरा हैंड चेक करना। नहीं मैं चला ही नहीं सा, वे हां चटका टकरेगा तो टकरागा तो मार रहा मेनू। वो लड़का क्या काम कर रहा है, गोया चुकन दे यार। गोए को क्या बोलते इंग्लिश में पता नहीं की बोलते, तेनू पता है इंग्लिश में।